फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी से। जो कि यह जो क्लासेस अभी मैं प्रोवाइड करवाएंगी, या जितने भी क्वेश्चन है सब बीपीएससी एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आपके आने वाले कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रोजाना क्लास को कीजिए, क्लास को मिस मत कीजिएगा, स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप रोजाना क्लास करेंगे तभी जा करके आपको क्लास का फ़ायदा मिल सकेगा। और मैं बता दूं कि रोजाना शाम 6:05 पे आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में प्रोवाइड करवा रही हूं। तो रोजाना शाम 6:05 पे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और क्लासेस को करें। और दूसरी क्लासेस में रात्रि 9:05 पे मैं प्रोवाइड करवाती हूं एनसीईआरटी से रिलेटेड क्लासेस है, जो कि अभी मैं हिस्ट्री की क्लासेस में वहाँ पे प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आप लोग दोनों क्लासेस को कीजिए, मिस मत कीजिए। और प्लेलिस्ट में मैंने इंडियन ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी से रिलेटेड लगभग क्लासेस कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो उसको भी आप लोग जाकर देखिए। और बहुत सारी ट्रिकी वीडियोज है जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, कुछ हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, तो आप लोग उसको भी टाइम मिले तो कभी कभी स्क्रॉल करके देख लीजिए, ताकि वो जो ट्रिक है आपके दिमाग में रहेगी तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन से गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं। भारत में राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। और पहला पॉइंट है, कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। दूसरा पॉइंट है, प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तीसरा पॉइंट है, राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। चौथा पॉइंट से, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिदान नीतियों को क्रियान्वित किया है। ठीक है, उपर्युक्त में से कौन सही होंगे, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है पहला, दूसरा और तीसरा कथन। ऑप्शन बी में है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कथन। ऑप्शन सी में है पहला, तीसरा और चौथा। और ऑप्शन डी में है पहला, तीसरा और चौथा। तो देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि चारों कथन इसमें सही है। ठीक है, चलिए तो इसकी डिटेल्स को देखते हैं। इसके डिटेल्स में क्या कह रहा है, इसके डिटेल्स में ये कह रहा है कि भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की कार्यविधि में कई कमजोरियां हैं तथा इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनमें प्रबंधकीय अकुशलताएं, वित्तीय संसाधनों का अभाव, केंद्रीय बिजली संस्थाओं को भुगतान करने की असमर्थता, व्यापक संचालन व वितरण हानियां आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों में कृषि क्षेत्रों को बहुत कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराते हैं, जिससे आर्थिक सहायता का भार बहुत बढ़ जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत में संचालन व वितरण हानियां अधिकतर देशों की तुलना में अधिक हैं। इन हानियों के कई कारण हैं, जैसे बिजली की व्यापक चोरी, कम वोल्टेज पर ऊर्जा की बिक्री, दूर दराज कम आबादी वाले क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करना तथा वितरण प्रणालियों में कम निवेश इत्यादि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है दरभंगा, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी है टाटा नगर। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, टाटा नगर। और देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, 53rd और 55th बीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चन है। तो टिस्को संयंत्र किसके नजदीक है? तो टाटा नगर के नजदीक है। ठीक है, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, अब टाटा स्टील भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटा नगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना वर्ष 1907 ईस्वी में की गई है। तो टिस्को की स्थापना कब की गई है? तो 1907 में की गई है टाटा नगर की स्थापना। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा 1907 में इस कारखाने की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है रेशम, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी है चमड़ा, ऑप्शन डी है जूट। तो सही जवाब होगा इसका
ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। सीमेंट, बिहार में डालमिया नगर जो प्रसिद्ध है वह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। देखिए और रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बिहार के एग्जामिनेशंस में बिहार से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बिहार स्पेशल से, तो ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बिहार में डालमिया नगर प्रमुख रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योगों की भी उद्योग भी स्थापित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और बिहार स्पेशल में मैं बता चुकी हूँ, बहुत ही डिटेल्स में क्लासेस ली हूँ, उसमें मैं बताई हूँ बिहार के प्रमुख उद्योगों के बारे में मैप के थ्रू। तो आप लोग उस क्लास को देखिए, काफ़ी प्रभावित आपको अच्छा लगेगा, काफ़ी प्रभावशाली होगा आपके लिए वह क्लास, तो ज़रूर देखिए। क्योंकि मैप के थ्रू अगर आप कोई भी क्लासेस करते हैं, खास करके ज्योग्राफी, तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है मैप और डायग्राम के थ्रू अगर आप ज्योग्राफी की पढ़ाई करते हैं, तो इसलिए आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखिए। चलिए आगे, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी है टीटागढ़, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है खेतरी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब खेतरी होगा। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है और तांबा का उद्योग स्थापित है तो खेतरी में। ठीक है, खेतरी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे की खदानें पाई जाती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, टीटागढ़ कागज उद्योग तथा रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है तांबा खनन। तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा बहुत अंतर करके पूछा जाता है और पिछले डिटेल्स में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देख चुका है, मतलब तो आप ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं आप इसका सही जवाब लगा दिए होंगे कि राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट जो है जो वो तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ा इसके डिटेल्स में पढ़ लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को देखने के साथ साथ इसके डिटेल्स को पढ़ने का यही फायदा है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपकी एग्जामिनेशन से पूछेंगे तो आप इसका जवाब सही लगा कर आएंगे। ठीक है, चलिए। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। भारत में तांबा धरातल शिलाओं में रंध्रों में पाया जाता है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार भारत में शीर्ष ताम्र अयस्क का भंडार क्रमशः राजस्थान है, फिर झारखंड है एवं मध्य प्रदेश है। तो ठीक है, 2021 के अनुसार सबसे आगे है राजस्थान, झारखंड, फिर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ऑप्शन ए है महानगरों को जोड़ने वाले रेल मार्ग, ऑप्शन बी है प्रमुख वायु मार्ग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, ऑप्शन डी है स्वर्ण व्यापार का मार्ग, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में की गई थी। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज की शुरुआत कब की गई थी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन एक बन सकता है। तो वर्ष 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज की शुरुआत की गई थी, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2001 में इसके माध्यम से देश के चार प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना था। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है जो 2001 में शुरू किया गया था, और यह क्यों किया गया था, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है। ऑप्शन ई है अनाई मुड़ी में, ऑप्शन बी है कलसुई बाई में, ऑप्शन सी है दोदाबेटा में, ऑप्शन सी है पुष्पगिरी में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ई होगा, अनाई मुड़ी में। ठीक है, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी, ठीक है, और पलानी पहाड़ी। देखते इसके डिटेल्स को, और यह क्वेश्चन देखिए CDPO में पूछा गया है। अनाई मुड़ी भारत के पश्चिमी तट की एक पर्वतमाला है। ठीक है, एक पर्वतमाला है। यह केरल के एर्नाकुलम जिला और इडुक्की जिला में स्थित है।
यहीं पर अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालिनी की पहाड़ी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है। ऑप्शन ए सामान्य वर्षा का, ऑप्शन बी है अति वर्षा का, ऑप्शन सी है सूखे का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अति वर्षा। भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है अति वर्षा का। ठीक है, एल नीनो भूमध्य रेखा के पास पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में गर्म पानी की जमाव के कारण होता है और गर्म पानी की सतह से गर्म होने के फल स्वरूप नम हवा के ऊपर उठने पर तूफान बन सकते हैं जिसके कारण अति वर्षा होती है। ठीक है, तो भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है अति वर्षा का। ठीक है, वृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या है? ऑप्शन ए है गाढ़ो पहाड़ी, ऑप्शन बी है नंगा पर्वत, ऑप्शन सी है खांसी पहाड़ी और ऑप्शन डी है नमचा बड़वा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा नमचा बड़वा। ठीक है, नमचा बड़वा दक्षिणी पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वत का एक पर्वत है। यह पर्वत हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है और यह विश्व का 28वां सबसे लंबा पर्वत है। यानी कि नमचा बड़वा जो है जो विश्व का सबसे 28वां लंबा पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन क्षेत्र में है, ठीक है, सुंदरवन क्षेत्र में है। ए है उष्णकटिबंधीय आई अर्ध सदाबहार वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय आयन, ऑप्शन सी है आई समशीतोष्ण वन, ऑप्शन डी है सघन मैनग्रोव वन। तो सुंदरवन क्षेत्र है सघन मैनग्रोव वन का। ठीक है, देखिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। सुंदरवन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो देखिए सुंदरवन जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह से सुंदरवन डेल्टा बनता है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। इस क्षेत्र में सघन मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैगा पहला पॉइंट है इसका, कैगा का पहला ऑप्शन क्या दे रहा है सो देखते हैं। यह है मंगलोर के निकट है, यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। ऑप्शन बी है तमिलनाडु में एक नया औद्योगिक केंद्र है। तो कैगा का सही आंसर यही होगा ऑप्शन ए मंगलोर के निकट है, यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। ठीक है, कैगा मंगलोर के निकट और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। ठीक है, इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। देखिए कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा ग्राम के समीप काली नदी के किनारे स्थित है। नाभिकीय संयंत्र है, यह वर्ष 2000 से कार्यरत है। इसका संचालन भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का और ऑप्शन डी गन्ना। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा गेहूं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के कारण गेहूं फसलों के उत्पादन में वृद्धि की अधिकतर देखी गई है। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966 से 1967 में भारतीय कृषि में उच्च उपज वाले किस्म HYV के बीज से हुई है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता पूछा जाए तो एम एस स्वामीनाथन है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता तो एम एस स्वामीनाथन, और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, किस वर्ष में हुई, तो 1966 से 1967 के में भारतीय कृषि में उपज में इसका प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा हुआ तो गेहूँ को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रति वर्ष
के घटते क्रम में रखे गए राज्यों के सही क्रम को पहचानिए। ऑप्शन ए है पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। ऑप्शन सी है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी है पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, फिर इसके पश्चात राजस्थान, पंजाब और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है यह। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी है सस्ता श्रम, ऑप्शन सी है सस्ती जल विद्युत, ऑप्शन डी है सस्ता परिवहन। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सस्ता श्रम। देखिए ये बीपीएससी सीडीपीओ में पूछी गई क्वेश्चन है, सस्ता श्रम इसका सही जवाब होगा, बी ऑप्शन। आधारभूत उद्योग में लौह इस्पात उद्योग के पश्चात राज्य में सीमेंट उद्योग का स्थान है। राज्य में चूना पत्थर के कारण सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना ACC के द्वारा वर्ष 1964 में दुर्ग के जामुन नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके की रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे YouTube चैनल AV Academy को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके और आपका और हमारा चैनल ग्रोथ करे। थैंक यू।